माय गॉड, ये पीछे क्या है? सो ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस सर, आज मैं माइनक्राफ्ट की एक और मिथ की दुनिया में आ चुका हूँ, और आज से मैं माइनक्राफ्ट की मिथ्स भी ट्राई करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, आप सभी चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत करीब है 100 सब्सक्राइबर के। तो जल्दी से जाओ गाइस, सब्सक्राइब कर लो। और आज का पहला हमारा मिथ है कि हम इस भाई साहब ने कह रहा है कि वेदर को हम स्नो बायोम में स्पॉन नहीं कर सकते। तो मैं ट्राई करता हूँ वेदर को स्पॉन करने की। तो तब तक आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। तो मैं यहाँ उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ वेदर स्पॉन होता है। 1 2 3 4, अबे नहीं हुआ 4। अच्छा, अभी वेदर हेड लगाता हूँ। 1 2 एंड लेट्स गो। अबे अबे वेदर स्पॉन नहीं हुआ। सच्ची में गाइस, वेदर स्पॉन नहीं हुआ। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। इन भाई सब ने अच्छा ही मिथ बताया है। वेदर स्नो के बायो में स्पॉन नहीं होता। मैं एक बार इधर को एक और बार करता हूँ। स्नो को हटाओ, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, और अभी हेड को रखो। 1 2 3। अबे सच्ची में वेदर स्पॉन नहीं हुआ। ओ भाई, ये मिथ तो बड़े ही काम की है। तो अगर ये मिथ आप सभी को अच्छा लगे तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो। ओ भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो अभी बढ़ते हैं तो मेरा गाइस नेक्स्ट हमारा मिथ। नेक्स्ट नेक्स्ट मिथ मिथ है कि इन भाई साहब ने कह रहा है कि विलेजर के डोर के अंदर अगर हम लोगों ने कारपेट रख दिया तो विलेजर बाहर नहीं आ पाएगा। तो मैं इस मिथ को भी ट्राई करता हूँ। ए विलेजर, कैसा है तू? अब यहाँ पे तो ऑलरेडी कारपेट लगा हुआ है। अच्छा, मैं लगा कर देखता हूँ एक। अच्छा, इसको तोड़ो। ए बाहर निकल, बाहर निकल बे। अबे बाहर, अबे ठुमकन लगा रहा है। अबे बाहर निकल, अबे बाहर निकल। अबे क्या सुसु आया क्या? अबे ठुमक क्यों रहा है? गीता का सुन लिया क्या? अबे बाहर जाना। अबे ये तो बाहर चला गया। अबे मैं जाऊँ? अबे मैं भी बाहर चला गया। अच्छा, एक और। तो ये मिथ कंफर्म नहीं है। ये मिथ झूठा है, क्योंकि मैंने विलेजर के डोर के पास कारपेट रखा, पर कारपेट पहले से ही लगा हुआ था। पहले से ही कारपेट लगा था, तो मैं क्या करता? तो ये मिथ तो कंफर्म्ड नहीं है। ये मिथ बड़े ही बकवास है। तो मैं जल्दी से मेरे नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ता हूँ। और आज की हमारा थर्ड मिथ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो ये भाई सब कह रहे हैं कि हम शल्कर बॉक्स को कोरस फूड की मदद से टेम कर सकते हैं। अबे ये क्या सच है? तो ट्राई करते हैं तो बनता है। तो मैंने यहाँ पे शलकर और कोरस फूड को ले लिया है। यहाँ पे इसको शलकर को रखो। उसके बाद अब टेम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैं खा पा रहा हूँ, शलकर नहीं खाएगा। अच्छा, तो ये मिथ भी बस्टेड हुआ, क्योंकि शलकर को कभी भी टेम नहीं कर सकते हम लोग। और आज की जो फोर्थ वाली मिथ है वो है कि शल्कर को स्पॉन करो, उसके बाद उसकी नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ दो, उसके बाद देखो मैजिक। क्या मैजिक होगा? तो यहाँ पे मैंने शल्कर को स्पॉन करके रखा हुआ है। उसके बाद इसके नीचे के ब्लॉक को, इसका मतलब मैं साइड से थोड़े ब्लॉक तोड़ लेता हूँ, उसके बाद उसके नीचे के ब्लॉक को तोड़ूंगा। अच्छा, क्या होगा ये तो मुझे 1 2 3। जादू, जादू शल्कर। अबे जादू, जादू शलकर। आप लोग कमेंट में बताओ, शलकर क्या टेलीपोर्ट होता है?
नहीं, उसका नीचे का ब्लॉक जब भी तोड़ो। गायब, जादू, अबे कहाँ गया? अच्छा यहाँ पे। एक और बार, जादू, अबे पिक के सामने चला गया। तो ये मीत एकदम कंफर्म्ड है। शलकर के नीचे वाले ब्लॉक को अगर तोड़ोगे तो शलकर टेलीपोर्ट होगा। ये मैं नहीं जानता था। तो थैंक यू भाई साहब, आपने बता दिया। गाइस ये वाला भाई सब कह रहा है कि इस वाले सीट को ट्राई करो, उसके बाद हीरो ब्रेन वाली सीट। ओ माय गॉड, पहाड़ी के राइट साइड में हीरो ब्रेन पहाड़ी के आसपास घूमता है। ये चीज मैं अभी ट्राई करूंगा। तो 1 मिनट वेट करो, मैं पहले एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। गाइस मैंने एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ और उसका सीट था 7685। तो मैं जल्दी से सीट डाल लेता हूँ। 7685, तो सीट डाल दिया। और अभी इस वर्ल्ड को कोई सा भी नाम देता हूँ, नहीं गेमिंग क्रंच नाम दूंगा। GAI, नहीं छोड़ो नाम भूल गया। अच्छा क्रिएट करता हूँ अभी। ये क्रिएट हुआ। अच्छा जल्दी से क्रिएट हो जा भाई। जेनरेट वर्ल्ड हो रहा है। तो मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे वो बोला कि पहाड़ के पीछे हीरो ब्रेन होगा, ये क्या सच है? तो मैं देखता हूँ जल्दी से। तो लोडिंग रिसोर्सेस हो रहा। 5 minutes later. तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस वर्ल्ड में, और मैं अभी इस पहाड़ी को अच्छे से देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, ओ माय गॉड, ये पीछे क्या है? ओ भाई, ये हीरो ब्रेन भाई। भाई 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 क्या अरे हुआ भाई भाई? भाई भाई क्या हुआ भाई? मजा आया. भागो, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा भाई। हीरो ब्रेन भाई, मैं बता नहीं सकते इस टाइम पे मैं कितना डर गया था। ओ भाई, ये सीड सच्ची में हीरो ब्रेन वाला सीड है। ओ भाई, मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं माइनक्राफ्ट में ये पहली बार हीरो ब्रेन को देखा। इस सीट को ट्राई कर सकते हैं, ये सीट बहुत ही मजेदार है। मैं तो डर ही गया था। तो इस वीडियो को अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही नई मस्त मस्त मिथ की वीडियो के लिए। और हाँ गाइज, मेरा सर्वाइवल सीरीज का वीडियो आ चुका है, आप अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर वो भी देखो चैनल पर जाके। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड बाय बाय। Come